नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे वोकैब की। जी हाँ बच्चों, आज हम सीखेंगे कुछ वोकैब, उनको याद करेंगे विद फन के साथ। जी हाँ, खेल और मस्ती के साथ आज हम वोकैब याद करेंगे। बच्चों, एक बुक है जिस पब्लिकेशन का नाम है राजेश्वरी पब्लिकेशंस। इस बुक के अंतर्गत वो वोकैब रखी गई है जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछी गई है। इस बुक के अंतर्गत आपको मिलेंगे उनके एंटोनिमस, सिनोनिमस और एक कीवर्ड, उसको याद करने का एक कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं निमोनिक मेथड। इस पूरी बुक के अंतर्गत वो वोकैब दी गई है जिसको हम एक निमोनिक मेथड के द्वारा हम याद करेंगे। निमोनिक मेथड क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। निमोनिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है कि जिसमें हम किसी भी वर्ड को अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हैं और उसको याद करते हैं। ये पद्धति, ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है याद करने का, ये विदेशों में अडॉप्ट करा जा चुका है। विदेशों में कोई भी अगर वर्ड याद करा जाता है तो वो निमोनिक मेथड के द्वारा ही करा जाता है। और ये अब इंडिया में भी काफ़ी फेमस हो रहा है, काफ़ी प्रचलित हो रहा है। जितने भी कंपटीशन के कोचिंग सेंटर हैं, दिल्ली के अंदर हों या फिर अदर स्टेट में हों, उन सभी जगह पर वोकैब को निमोनिक मेथड के द्वारा ही याद करवाया जा रहा है। तो मेरा भी छोटा सा प्रयास है आपको याद कराने का वोकैब। आप मेरे साथ बने रहिए और हो सके तो क्या आपको ये करना पड़ेगा, नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठिए और जो भी कीवर्ड, किसी भी वर्ड की आपको मैं बोल के बताऊंगा उसको नोट करिएगा। तुरंत उस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसको बोल के पूरा उसका कीवर्ड लिखना और उसके एंटोनिमस सिनोनिमस आप याद करना। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बुक वॉल्यूम टू और उसका है ये सेट नंबर वन, ओरिजन। ओरिजन का अगर मैं हिंदी में इसका अर्थ बताऊं तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है, वो होता है प्रार्थना या भजन। इस वर्ड को याद करने की जो की है, की का मतलब शॉर्टकट की, जिस की हेल्प से हम लोग इस वर्ड को याद करेंगे, इसका जो की वर्ड है वो होगा ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब असली। एग्जाम्पल है, ओरिजिनल प्रार्थना उसने ही की थी। अगर हम इस तरह से याद करते हैं, अगर हम बोलते हैं सेंटेंस को कि ओरिजिनल प्रार्थना उसने ही की थी, तो हमने ओरिजिन से बना ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, असली। जो व्यक्ति असली प्रार्थना करेगा उसकी क्या होगी, मनोकामना पूरी होगी। सिनोनिमस क्या है इसका, प्रेयर एंड डिवोशन। एंटोनिमस, रिप्ले एंड डिमांड, रिप्लाई एंड डिमांड। कुछ वर्ड नंबर सेकंड, इस्किज्म। इस्किज्म का मतलब होता है फूट। की वर्ड है इस्किज्म। इस्किज्म से बना है इस्किज्म। एग्जाम्पल है इसका, इश्क जम नहीं पाया तो दोनों के बीच में क्या हो गया, आपस में फूट पड़ गई। दोनों के बीच में क्या हो गया, मन मुटाव शुरू हो गया। तो इस्किज्म का मतलब क्या हो गया, फूट पड़ना। कीवर्ड क्या देखा हमने इसको याद करने का, इश्क जम। जब बात नहीं जमती ना तो क्या होता है, झगड़ा होता है आपस में, ठीक है, इसको बोलते हैं फूट पड़ जाना आपस में। वर्ड नंबर थ्री, ब्रो बीट। ब्रो बीट का मतलब होता है धमकाना। की वर्ड है इसका ब्रो। ब्रो का मतलब जो हमारे आईब्रो होती है, आंखों के ऊपर के हिस्से को हम आईब्रो बोलते हैं, तो ब्रो का मतलब भौंय। इसको हिंदी में आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल है, ब्रो से बात बात पे वह लोगों को धमकाता है। मतलब अपनी आंखों को काफी चौड़ा करके लोगों को वो क्या करता है, डराता है, धमकाता है। इसका सिनोनिमस क्या होगा, इंटीमिडेट, थ्रेट, एंटोनिमस हेल्प एंड असिस्ट। वर्ड नंबर फोर, पॉन्टिफिकेट। पॉन्टिफिकेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप इसको नोट करिएगा और इसको याद करने का प्रयास करना। पॉन्टिफिकेट, पॉन्टी से बना पॉन्टी, केट से बना कोर्ट, केट से बना कोर्ट। पॉन्टी फिर से कोर्ट में सिद्धांतवादी बातें कर रहा है। सिद्धांतवादी बातें मतलब कि ये जज साहब आप गलत कर रहे हो, ये इस संविधान के अंतर्गत आप मुझे अपने बोलने का अधिकार देते क्यों नहीं है,
कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं क्रिमिनल, वो जज को समझाने बैठ जाते हैं कि आप गलत कर रहे हो। तो पॉन्टी जो है व्यक्ति का नाम है कोर्ट, पॉन्टी अगर कोर्ट में गया तो वो वहाँ पे जरूरत से ज़्यादा सिद्धांतवादी बातें जज के साथ कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग वर्डों को याद करेंगे। पॉन्टिफिकेट से बना पॉन्टी कोर्ट, ये कीवर्ड आपको सबके याद करनी है। ठीक है, अपनी नोटबुक में ये कीवर्ड लिखेंगे, क्योंकि अभी अगर आप निमोनिक मेथड पहली बार यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पहली बार निमोनिक मेथड के द्वारा अगर आप याद कर रहे हैं किसी वर्ड को, तो अभी तो आपको इस बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, इस वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। इस वीडियो की डायरेक्ट जो भी की है इसकी तरह ही आपको इसकी हर एक की को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा भाई प्यारे बच्चों कि आप अपने जो ये की है खुद ओरिजिन करोगे, ओरिजिन का मतलब खुद अपनी बनाओगे ये की अपने आप। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेल्प लो इस बुक की, सेट 1 2 3 4 5 6 तक हम लोग इस बुक की हेल्प लेंगे, और कुछ टाइम बाद जब हम सेट 8 में सेट 9 में आ जाएंगे तो उसके बाद हम अपने जो निमोनिक की है वो हम खुद अपनी बनाएंगे। ठीक है, ये स्किल्स डेवलप होगी बट थोड़ा टाइम लगता है। आप सोच रहे हो कि 2 3 वर्डों के बाद में मैं खुद ही अपने कीवर्ड बनाऊं, तो अभी प्लीज़ ऐसे मत करना। ठीक है, फिलहाल ऐसा मत करना, क्योंकि अभी आप नज़दीक का फ़ायदा देख रहे हो बट दूर का नुकसान भी देखना वो आपका काम है, क्योंकि नुकसान उसमें आपका हो रहा है, किसी और का नहीं। ठीक है, मेरा फ़र्ज है आपको समझाना। आप मैं समझता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, रोकते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी प्यारे बच्चों मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि अभी ये गलत है। 5 से 6 सेट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आप कुछ दिन बाद आप अपने कीवर्ड खुद बनाइए। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे सर इसका कीवर्ड इस तरह से बन सकता था। और राजेश्वरी पब्लिकेशन के नाम पे प्लेलिस्ट एक और है जिसका वॉल्यूम 1 होगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं वर्ड नंबर 5, राम पैंट। राम पैंट इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उग्र। उग्र का मतलब क्या होता है? गुस्सेला। कीवर्ड है इसका राम पैंट। ठीक है, भगवान राम जी, ये भगवान के बारे में मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मैं इसके माफी चाहूंगा। देखिए, हमारे भगवान राम थे, अगर उनको आप पैंट बनाएंगे तो उनका बिहेव क्या होगा? उनका बिहेव थोड़ा सा वो क्या होंगे, उग्र हो जाएंगे, वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक भी पैंट नहीं पहनी है। या कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, काफ़ी पुराने विचारों के होते हैं, अगर आपके कोई गांव में कोई अगर सीनियर सिटीजन है जो हमेशा धोती में रहते थे, वाइट धोती में कुर्ता पजामा पहनते थे, अगर आप उनको जीन्स पहना देंगे या उनको पैंट पहना देंगे तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर चिल्लाएंगे या आप पर गुस्सा करेंगे। तो राम पैंट का मतलब क्या हो गया? उग्र। इस तरह से आप लोग अपनी नॉलेज के थॉट को काफ़ी ब्रॉड करिए, अभी से करना पड़ेगा आपको, तभी आपके कीवर्ड जनरेट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? राम पैंट पहनने के बाद क्या हो गया? उग्र हो गया। इसका सिनोनिम्स क्या है? अनकंट्रोल्ड, जो कंट्रोल से बाहर हो, वायलेंट। एंटोनिम्स है जेंटल एंड माइल्ड। वर्ड नंबर 6 है बी टोकन। बी टोकन का मतलब होता है संकेत देना। देखिए, टोकन का मतलब आपको पता होगा, जब आप कभी मदर डेयरी वगैरह जाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे आप सबसे पहले, जहाँ पे आपकी सेल्फ सर्विस होती है तो वहाँ पे सबसे पहले आप टोकन लेते हैं। टोकन काफ़ी जगह का टोकन होता है, ऐसी बात नहीं, पार्किंग का टोकन होता है, रेस्टोरेंट का टोकन होता है। टोकन का मतलब कि आपको संकेत मिल गया कि हाँ, आप ये चीज़ परचेज करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। ठीक है, तो टोकन का मतलब संकेत होता है, उसके अगर बी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बी टोकन का मतलब क्या होगा? संकेत देना। जिसका कीवर्ड है बिना टोकन। बी टोकन का मतलब बी से बना बिना, टोकन का मतलब टोकन, टोकन का मतलब संकेत। तो एग्जाम्पल है इसका, बिना टोकन के कोई अंदर आए तो उसे तुरंत क्या करें? संकेत दें। ठीक है, कि आप वहां से टोकन लीजिए। सिनोनिम्स है इसका इंडिकेट या इंडिकेट, शो। एंटोनिम्स का डिनाई एंड स्टेड। अगला है वर्ड नंबर 7, बोल स्टेर। बोल स्टेर का मतलब होता है सहारा देना। कीवर्ड है इसका बोल स्तर। एग्जाम्पल, आपके बोलने के स्तर से मुझे सहारा मिल जाता है। सिनोनिम्स क्या है इसकी? हेल्प एंड सपोर्ट। एंटोनिम्स है इसका ब्लॉक एंड हिंडर। तो बोल स्तर का मतलब होता है, बोलिस्टर से बना है बोल से बना, बोल स्टेर से बना है स्तर, बोल स्तर। आपको प्यारे बच्चों, अगर ये बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो आई थिंक सो अब आपको थोड़ा सा सही दिखाई देगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, आपको जितनी हेल्प कर सकूँ मैं उतनी आपकी हेल्प करूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपनी हेल्प खुद करें, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो इंसान अपनी खुद की मदद पहले करता है।
ठीक है, आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपने कैरियर के प्रति थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अगर फॉर्म भरा है तो पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ड नंबर 8 है कैरोज। कैरोज का मतलब होता है दावत करना। की वर्ड है इसका करो रोज। कार से CARO, करो रोज, करो रोज क्या दावत करो। करोज का मतलब क्या होता है कि दावत करना, इसका मतलब होता है रोज रोज क्या करते हैं, कुछ लोग दावत ही करते हैं। एग्जाम का रिजल्ट खराब आए तब दावत, एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तब दावत। दावत का मतलब समझ रहे हो ना, जो लोग पीजी में रहते हैं, ठीक है, गम बुलाने के लिए दावत और गम दबाने के लिए एक दावत, ठीक है। आप कैरोज का मतलब है करो रोज, करो रोज क्या दावत करो। इस तरह से लोग वर्डों को याद करेंगे। सिनोनिम है इसका रिवील एंड फन, एंटोनिम सैड एंड ग्रीव। वर्ड नंबर 9 कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चाताप करना। कीवर्ड है इसका कंट्री से बना है कंट्री, राइट से बना है राइट। कंट्री में राइट मैन कम है, ठीक है, इसी का उसे पश्चाताप है, इसका उसे क्या है, पछतावा है। क्योंकि कंट्री में क्या होता है कि इंसान आगे बढ़ने के लिए किसी दूसरे इंसान की टांग खींच रहा है, उसको दबाना चाहता है हमेशा के लिए, ठीक है। तो कॉन्ट्राइट से बना है कंट्री राइट। कंट्री में राइट पर्सन बहुत कम हो चुके हैं, इसका पश्चाताप किसको होगा, इसका पश्चाताप होगा भगवान को, क्योंकि मैंने ये कंट्री क्यों बनाई, मैंने ये देश क्यों बनाया। इसमें कोई भी इंसान जो है लॉयल नहीं है, कोई भी इंसान राइट नहीं है, कोई भी इंसान सच नहीं बोलता है। तो इस तरह से आप कॉन्ट्राइट से बनाएंगे कंट्री राइट। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, रिग्रेटफुल एंड सॉरी, एंटोनिम्स जॉय एंड हैप्पी। वर्ड नंबर 10 स्टेंट्रोयन। स्टेंटोरियन इसका अर्थ होता है हिंदी में बुलंद एंड उच्च। कीवर्ड है इसका स्टेन गन। स्टेन गन एग्जाम्पल, स्टेन गन की टोन कैसी होती है, बहुत ही बुलंद होती है। इसका सिनोनिमस क्या होगा, लाउड एंड ब्लारिंग, एंटोनिमस जेंटल एंड सॉफ्ट। वर्ड नंबर 11 विनीर। विनीर का मतलब होता है दिखावा। कीवर्ड है इसका वे नियर, ठीक है, वेनीर का मतलब वे नियर। अगर क्या है कोई इंसान हमारे काफी नियर आ रहा है, तो कुछ लोग होते हैं कि दिल से हमारे पास आते हैं, दिल से हमारा भला चाहते हैं, कुछ लोग दिखावटी हम लोगों के पास में आते हैं कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, बट उसके माइंड में, उसके दिल में, उसके दिमाग में हमारे प्रति कुछ और भरा होता है। तो हम क्या कहते हैं, वो दिखावा कर रहा है, वेनीर। वेनीर का मतलब दिखावा। सिनोनिम्स क्या है इसका, फेकेड ग्लोस एंटोनिमस इनसाइड एंड इंटीरियर। वर्ड नंबर 12 ग्रीसली। ग्रीसली से बना है ग्रीस। ग्रीस के लोगों का जीवन बहुत ही क्या हो गया है, डरावना हो गया है। ग्रीस के लोगों का जीवन कैसा हो गया है, बहुत ही डरावना हो गया है। वर्ड नंबर 13 ब्लिक। ब्लिक का मतलब होता है आपका उदास। कीवर्ड है इसका बिल लीक। एग्जाम्पल, उसका बिजली का बिल लीक हो गया है, इसलिए वह क्या हो गया है, उदास है। सिनोनिम्स क्या है इसका, बैरन एंड डेजर्ट, एंटोनिमस ब्राइट एंड नाइस, ठीक है। बिलीक से बना है बिल, बीएल से बना है बिल, लीक से बना है लीक। अगर आपका बिल क्या होता है, लीक हो जाता है कहीं पर, तो आप कैसे हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप याद करेंगे बिलीक का, आप एग्जाम्पल इस तरह से भी बना के याद कर सकते हैं कि आपका बिजली का मीटर वो अगर लीक हो जाए। अब आप बोलेंगे बिजली का मीटर लीक कैसे हो सकता है भाई, अगर बिजली में अगर किसी आपके पड़ोसी ने दो तार लगा दी हर सरफेस की, रात को आपकी बिजली वो चोरी कर रहा है, ये तो होता है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका बिल क्या हो गया, लीक हो गया। आपका बिजली क्या हो रही है, किसी और के घर में जा रही है, आपके घर में सप्लाई हो रही है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, किसी और के घर में भी बिजली की सप्लाई हो रही है, बट आपको नहीं पता। बट जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपका बिल इतना ज्यादा आ चुका है, तो आप क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 14 की ओर। इरेसिबल, IRASCIBLE, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। की वर्ड है इसका रेस एबल। इरेसिबल का मतलब रेस एबल, इसका मतलब होता है समर्थ, ठीक है। एबल का मतलब क्या होता है, समर्थ, ठीक है। इस रेस के लिए जो एबल होगा, जो मतलब क्या होगा, समर्थ होगा, वह चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा।
जैसे मानो कि अगर किसी को रावण का रोल करना है तो रावण को क्या है, रावण बहुत ही जल्दी बहुत चिढ़ता था छोटी मोटी बातों पे। अगर उससे कोई सही ज्ञान देता था तो उससे क्या आता था, उससे गुस्सा आता था कि तू मुझे समझा क्यों रहा है। ठीक है, जैसे विभीषण उसका भाई था, विभीषण सही बात बोलता था परंतु क्या होता था, वो उसकी बातों पे हमेशा गुस्सा करता था कि तुम राम की तरफदारी ले रहे हो। तो अगर इस टाइप का रोल किसी इंसान को करना है तो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, चिड़चिड़ा स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, इस रेस के लिए या इस रोल के लिए, इसके लिए आप हैबल हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्या है, इरेप्रेसिबल है। या फिर यूज आप कर सकते हैं हिज नेचर इज इरेसिबल। ठीक है, इरेसिबल। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत जल्दी क्या होता है, आप उससे हल्का से भी मजाक करते हैं वो काफी क्या होता है, चिढ़ जाता है बहुत जल्दी। तो उस इंसान को, जैसे आपका फ्रेंड का नाम है राहुल, ठीक है, राहुल इज ए इरेसिबल पर्सन। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसका, क्रैंकी एंड ऑग्री, एंटोनिम्स कूल एंड हैप्पी। वर्ड नंबर 15, टैकिट। टैकिट का मतलब होता है बिना कहे। टेक सीट, ठीक है, TAC, टेक सीट, CIT, सीट, टेक सीट। उसने टेक कर लिया सीट बिना कहे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, किसी के घर में गए, तीन मेंबर हम लोग, तीन फ्रेंड एक फ्रेंड के यहाँ पे मिलने गए, उसके पास केवल दो ही सीट थी बैठने के लिए, दो ही चेयर थी, क्योंकि वो रूम रेंट पे लेके रहता था, फैमिली से अलग यहाँ पे पीछे में रहता था। ठीक है, अब तीन फ्रेंड गए तो मैंने चुपचाप से एक चेयर खींच के ले लिया अपने पास बैठने के लिए। तो क्या हो गया, टेक इट, मैंने टेक सीट करी बिना कहे उससे पूछे, बिना किसी दूसरे से पूछे कि आप बैठोगे, आप बैठोगे, मैं अपना बैठ गया। तो ठीक है, टेक इट का मतलब होता है बिना कहे, या इसका कीवर्ड है टेक सीट, उसने टेक कर लिया सीट बिना कहे। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, अनसेड, साइलेंट, एंटोनिम्स एक्सप्रेस एंड स्टेटेड या स्टार्टेड। वर्ड नंबर 16, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट वर्ड। अब तो पेन पेपर उठा लो बच्चों, अब तो पेन पेपर उठाना बनता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है, गोलू मोलू, गुली गुली, गुली गुली का मतलब गोलू मोलू। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे इसको। छोटा बच्चा कैसा होता है, बोलते हैं ना गोलू मोलू बच्चा, गुली गुली गुली। ठीक है, ऐसा आपने बोला होगा शायद, तो आप इस तरह से वर्ड को याद करेंगे। गुलीबल का मतलब होता है सीधा साधा, आपको इसके लिए कोई भी कीवर्ड शायद लिखने की जरूरत नहीं है। इतना प्यारा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी, इतनी अच्छी आवाज़ निकाल के आपको बताई मैंने, छोटे बच्चे के लिए। कीवर्ड फिर भी आप, अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए। कीवर्ड मतलब गली, एग्जाम्पल है गली में, गुली से बना है गली, गली में सीधा साधा बच्चा रहता है। ठीक है, सिनोनिमस क्या है इसका, नेव एंड क्रीडोलस, एंटोनिमस एस्ट्यूट एंड वाइस। वर्ड नंबर 17। ठीक है, इंजीनियर्स, इंजीनियर्स का मतलब क्या होता है, चतुर। कीवर्ड है इसका जीनियस, इंजीनियस, आई एन इसमें से हटा दिया, केवल बना जीनियस। जीनियस का वर्ड की मतलब क्या होता है, जीनियस का मतलब होता है काफी जीनियस पर्सन है, काफी चतुर पर्सन है, सही समय पर क्या डिसीजन लेना है उसको अच्छे से आता है। ठीक है, सिनोनिमस है इसका क्लेवर एंड प्रूडेंट, एंटोनिमस डल एंड इनेप्ट। वर्ड नंबर 18, माइजरेबल। जी हाँ बच्चों, माइजरेबल, माइजर जिसको हम बोलते हैं, माइजर होता है गरीब, दयनीय, काफी फटे हाल में जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, इसको हम बोलते हैं माइजर। ठीक है, माइजर। सिनोनिम्स क्या होता है इसका, काफी डिजेक्टेड या पैथेटिक, मतलब दयनीय दशा होती है इस इंसान की वो। एंटोनिम्स क्या होता है इसका, हैप्पी एंड इलेटेड। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, माइजर लोग, जो माइजर जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है, रहन सहन उनका कैसा होता है, काफी दयनीय होता है, काफी पुअर व्यक्ति वो होते हैं। अगला वर्ड है एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना। ठीक है, एजिटेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। इसका जो कीवर्ड है याद करने का वो है अजीत टेट, AGIT, अजीत टेट। एग्जाम्पल है अजीत टेट की परीक्षा देते ही क्या हो गया, उत्तेजित हो गया, मेरा टेट क्वालिफाई हो गया, काफी एक्साइटेड हो गया। तो इसका सिनोनिम्स याद याद करने के लिए क्या है,
रॉस एंड स्टाइल एंटोनिमस काम एंड लल, या इसको पढ़ते हैं लुल। ठीक है, अगला वर्ड है डिसक्रेज। डिसक्रेज का मतलब होता है अपमान। कीवर्ड है इसका देश क्रेज। हमारे देश में ग्रेस मार्क से पास होना कैसा होता है? अपमानजनक। अगर छोटा बच्चा 5वीं क्लास में अगर वो ग्रेस से पास होगा तो कितने शर्म की बात है। डिसक्रेज, डिस से बना है देश, देश के बच्चे कैसे पास हो रहे हैं? ग्रेस से पास हो रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है देश के बच्चों के लिए क्या है? अपमानजनक है। बच्चों के लिए क्या? पूरे देश के लिए। डिसक्रेज का मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा इसका? एब्यूज एंड स्लर, एंटोनिम्स एस्टीम एंड फेम। वर्ड नंबर 21, स्ट्रिंकिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है असाधारण। कीवर्ड है इसका स्ट्राइक। एग्जांपल, वह जब भी स्ट्राइक लेता है, ठीक है, क्रिकेट का वर्ड, ठीक है, स्ट्राइक का मतलब आंदोलन से नहीं है, स्ट्राइक का मतलब रोक से नहीं है, स्ट्राइक का मतलब सस्पेंड से नहीं है, स्ट्राइक का मतलब है क्रिकेट के जो खेल बच्चे खेलते होंगे उनको पता होगा स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो वह जब भी स्ट्राइक लेता है तो यह असाधारण बैटिंग करता है। सिनोनिम्स क्या है इसका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक होते हैं कि ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, बट कुछ लोग क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं। और इसका सेकंड जो सिनोनिम्स वर्ड है वो है डेजलिंग। एंटोनिम्स इसका बैड एंड ऑर्डिनरी। वर्ड नंबर 22, इलेशन। इलेशन का मतलब होता है प्रसन्नता। की वर्ड है यह लेसन। एग्जाम्पल, यह लेसन पढ़ने के बाद उसे बहुत प्रसन्नता हुई। सिनोनिम्स क्या है इसका? ग्ली एंड जॉय। एंटोनिम्स है इसका सोरो एंड अपसेट। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो बस इतना ही। रिवाइज के लिए आपके सामने ये सभी वर्ड मैंने दिए हैं इस बुक के अंतर्गत। यहाँ पर रिवाइज के लिए एक लेसन दिया है। आपने जो भी वर्ड अब तक देखे या जो भी कीवर्ड आपने नोट करे, अभी आप अपना टेस्ट करिए, इसमें चेक करिए कि आपको कितने वर्ड याद रहे और कितना भूले। ठीक है, अगर भूल गए तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेंशन नहीं होना है। ठीक है, टेंस मत होना क्योंकि वीडियो आपके पास ही है, लेकिन जो भी कमी रही है उस पर फोकस करिए कि ये वर्ड में क्यों भूला। ठीक है, या तो मैंने ध्यान नहीं दिया, अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए और उसके बाद उस पर वर्क करिए। ठीक है, पछतावा करने से कुछ नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ भागो कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन ये होगा, दोबारा इस वीडियो को वॉच करिए। कोई भी अगर ऐड बीच में आती है वीडियो को, उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, वो ऐड आपके किसी काम के नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, स्किप करके अगले वर्ड पे बढ़िए, ध्यान से सुनिए। कोई भी वर्ड आप लिखते हैं तो बोल बोल के लिखिएगा। ठीक है, बोलने से क्या होता है कि वो वर्ड डायरेक्ट आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, आपको वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं। मैंने काफ़ी बच्चे देखे कि बोल बोल के वो लोग याद करते हैं। हाँ, दूसरे को डिस्टर्ब होता है, बात अलग है। अगर आपके पास प्राइवेट रूम है, बिल्कुल अपने सेपरेट रूम है, सेपरेट स्टडी रूम है आपके पास में, तो वहाँ पर आप बोल बोल के लिख लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। और दूसरी बात ये प्यारे बच्चों की, इस बुक का मैंने जो लिंक है, अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप अमेजन से इसको परचेस कर सकते हैं। चाहे तो अगर नेट फ्री है तो इस वीडियो को वॉच कर लीजिए, वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स बनाइए और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों इसको लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, अपनी राय मुझको दीजिएगा कि सर भैया इसका एग्जांपल ये भी हो सकता था। तो अच्छी बात है, आप एग्जांपल बनाइए अपने, जिस जो भी एग्जांपल से आप लोग ज़्यादा फैमिलियर हों, जिस एग्जांपल को लेकर के आपका माइंड बहुत जल्दी सेट हो जाता हो, ठीक है, वो एग्जाम्पल बनाइए। ठीक है, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार इस चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आप एक एक वीडियो को ध्यान से वॉच करिए, उसके बाद ही आप सब्सक्राइब इस चैनल को करना। ठीक है, और एक गुजारिश मेरी और है बच्चों आपसे कि अगर आप लोग मेहनती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो तो भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी अपने पास। जिस तरह से मेरा मानना यह है कि कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। ठीक है, किताब के ढेर लगाने से कुछ नहीं होता, 10 किताबों को खरीद के लाने से ज़्यादा बेहतर है किसी एक किताब को 10 बार रीड कर लेना, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, जोश करो उसमें, किसी दूसरे के हाथ में बुक देख ली, कोई बुक
उसके हाथ में देखिए कि हाँ वो सॉल्व कर रहा है, थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन देखा उससे मांग करके, आपको वो बुक अच्छी लगी, आप तुरंत सेम डे 200 300 400 रुपये दे करके वो बुक परचेज करके ले आए। आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन उस बुक को पढ़ा, बाद में क्या हो गया, वो आपके रैक की हमेशा के लिए शोभा बन गया, आपने दोबारा उसको उठा के कभी नहीं देखा। फिर एक नई बुक हम परचेज करके ले आए, हमने तो उसको भी नहीं देखा। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम एक अपने घर के अंदर एक लाइब्रेरी बना के बैठ जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो बच्चों प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है? चलिए, इसी के साथ लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए पार्ट के साथ। ये था राजेश्वरी पब्लिकेशंस का वॉल्यूम 2 का सेट 1। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।